और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बेहतर ही होंगे। मैं कविता आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल कविता इस एयर पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। आगामी प्रस्तावित नेट एग्जामिनेशन 2020 के रिगार्डिंग में हिंदी मीडियम अभ्यर्थियों की सहायता के लिए नेट सीरीज प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहती हूँ, जिसके माध्यम से मैं अपने सेल्फ हैंड रिटन नोट्स आपके साथ डिस्कस एंड शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरा रिसेंट टॉपिक क्या है, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने यहाँ पे लिया है, हाइपोथेसिस, जिसे हम परिकल्पना, उपकल्पना या प्राकल्पना के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पर्टिकुलर मीन देख लें, हाइपो प्लस थीसिस। तो हाइपो मीन्स क्या होता है? बिफोर, एंड थीसिस मीन्स क्या होता है? थ्योरी। दैट्स मीन पूर्व चिंतनात्मक या पूर्व चिंतन। दैट्स मीन ये शोध समस्या का संभावित समाधान प्रस्तुत करती है। अकॉर्डिंग टू बेकन आदि का विश्वास था कि जो ही समस्या की जानकारी हो जाती है उसके लिए परिकल्पना का निर्माण हो जाना चाहिए, लेकिन इसके रिगार्डिंग उन्होंने सावधानी भी बताई कि पहले समस्या का उचित विश्लेषण करना चाहिए, फिर उसे सावधानी पूर्वक परिभाषित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, देन आफ्टर ओवरऑल परिकल्पना का निर्माण किया जाना चाहिए। Now we can say that कि परिकल्पना शब्द का अर्थ एक उपकथन से है जो कि समस्या के समाधान की अवधारणा प्रस्तुत करता है। चलिए मैं इसको आपको जनरली लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करती हूँ कि जब एक रिसर्चर रिसर्च करता है तो वह समस्या के आइडेंटिफिकेशन के पश्चात सेकेंड महत्वपूर्ण स्टेप के रूप में हाइपोथीसिस क्रिएट करता है। हाइपोथीसिस जो है उपकल्पना का निर्माण करता है, और उपकल्पना क्या होती है? एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है। तो वो टेंटेटिव सॉल्यूशन को कंसीडर करता है, और ये टेंटेटिव सॉल्यूशन किसके माध्यम से होता है? वेरिएबल्स के रिगार्डिंग होता है, और वेरिएबल्स मीन्स चर के रिगार्डिंग होता है, जो कि राइट भी हो सकती है और रॉन्ग भी हो सकती है। तो चलिए अब इस कंसेप्ट को पर्टिकुलर नोट्स के रूप में कंसीडर करने का प्रयास करते हैं। परिकल्पना हाइपोथीसिस, शाब्दिक अर्थ पूर्व चिंतन, ठीक है, जैसा कि मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ। ये अनुसंधान प्रक्रिया का सेकंड महत्वपूर्ण स्तंभ है या सेकंड महत्वपूर्ण स्टेप है। संक्षेप में परिकल्पना एक संबंधित समस्या का ऐसा संभाव्य तथा परीक्षण योग प्रस्ताव होता है जिसके आधार पर संबंधित चरों अथवा घटनाओं का अध्ययन अनुभाविक रूप से किया जा सके और समस्या का पर्याप्त उपयुक्त समाधान अनुभाविक रूप से किया जा सके तथा वैध उत्तर की प्राप्ति उपलब्ध हो सके। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड हाइपोथीसिस की एक अच्छी परिकल्पना की क्या विशेषताएं होती हैं, या एक अच्छी परिकल्पना की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, या एक परिकल्पना अच्छी मतलब किस क्राइटेरिया के बेस पे कहलाती है। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट वन हम कह सकते हैं कि परिकल्पना समस्या का पर्याप्त उत्तर हो, ओके, कि पर्टिकुलर जो उसका कंसेप्ट हो उसको एक्सप्लेन करने में सक्षम हो। सेकंड वन कि परिकल्पना प्रत्यात्मक दृष्टि से स्पष्ट हो, दैट्स मीन उसमें कुछ भी असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए, वो पूरी तरह से क्लेरिफाई होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, नंबर थर्ड इज परिकल्पना प्रमाणित करने योग्य हो, कि जब उसको सत्यापित किया जाए तो वो उस सत्यापित की होने की कसौटी पर खरी उतर सके। नेक्स्ट वन, नंबर फोर्थ, परिकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए, जो परिकल्पना की जो प्रकृति है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए, तभी कहा गया है कि इसको भली भांति इसको सावधानी पूर्वक सभी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन, नंबर फिफ्थ, परीक्षण के लिए यंत्र प्राप्त हो, जो परिकल्पना की जो टेस्टिंग होगी उसके लिए जो पर्टिकुलर
जो इक्विपमेंट्स हैं वो उसकी भी प्राप्ति सुलभ होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, परिकल्पना किसी सिद्धांत से समर्पित हो, मतलब किसी न किसी सिद्धांत को वो मॉडिफाई करती हो। नेक्स्ट वन नंबर 7, आंकड़े प्राप्त हो सके, डाटा मस्ट बी अवेलेबल, कि जिसके रिगार्डिंग जो डाटा है वो हमें इजीली गेन हो सके, तभी तो हम परिकल्पना को भली भांति सत्यापित करने में सक्षम हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, परिकल्पना समस्या का सरलतम उत्तर हो। नेक्स्ट वन, वी टॉक अबाउट शून्य परिकल्पना, ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए गुड हाइपोथीसिस। तो शून्य परिकल्पना क्या होती है? सर्वोत्तम होती है। नल हाइपोथीसिस इज द बेस्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लैक ऑफ एनी डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन सो सत्य अथवा असत्य प्रमाणित होने के लिए अनुसंधानकर्ता कटिबद्ध नहीं होता है। दैट्स मीन कि वह स्वाभाविक रूप से परिकल्पना का परीक्षण करता है तथा उसका निष्कर्ष घोषित कर देता है। फंक्शंस ऑफ ए हाइपोथेसिस, परिकल्पना के कार्य। तो फर्स्ट वन इज निर्देशन व मार्गदर्शन, सेकंड वन समस्या को सुनिश्चित करना, थर्ड इज प्रमुख तथ्यों का चुनाव, एंड लास्ट ऑफ ऑल बट नॉट लीस्ट, निष्कर्ष निकालने में सहायक। नेक्स्ट वन, परिकल्पना के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो फर्स्ट वन इज सार्वजनिक परिकल्पना, सेकंड वन शून्य परिकल्पना, थर्ड इज अस्तित्व परक परिकल्पना, नंबर फोर्थ इज सीमित परिकल्पना, नंबर फिफ्थ इज सांख्यिकी परिकल्पना, एंड लास्ट ऑफ ऑल तात्विक परिकल्पना। परिकल्पना निर्माण में सावधानियां, क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए? फर्स्ट वन, परिकल्पना को स्वीकृत अस्वीकृत होने योग्य हो, कि वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट होने के लिए एप्लीकेबल हो, दैट्स मीन कि दोनों स्थितियों के लिए वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, उपकरणों तथा परीक्षण की सर्व उपलब्धि, कि सर्व सुलभ रूप से हमें उसकी प्राप्ति संभव होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, व्यवहारिक एवं उपयोगी होनी चाहिए, कि दैट्स मीन कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमारे रिसर्च को, हमारे रिसर्च प्रपोजल को प्रमोट करने वाली होनी चाहिए। एंड लास्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल नॉट लिस्ट, स्वीकारात्मक कथन भी अवश्य रूप से उपस्थित होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट टाइम हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग जो भी मतलब लाइक डेफिनेशन एंड अदर इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करने का प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताने का कष्ट करें, ताकि मुझे सेल्फ मोटिवेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन, ओके, बाय।